क्यों अरब सागर से आग उगल रही है भारतीय नौसेना की तोपें। राफेल डी विवाद के बीच भारत और फ्रांस के बीच अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू हो गया है। इस अभ्यास में पनडुब्बी को नष्ट करने की क्षमता पर खासा जोर दिया जा रहा है, जो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और फ्रांस के बीच अब तक का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास वरुण अपने चरम पर है। 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच कर्नाटक के पास पिगियोन द्वीप समूह पर यह युद्ध अभ्यास अपनी पूरी क्षमता के साथ जारी है। भारत और फ्रांस की नेवी समुद्री जंग के हर पहलू का परीक्षण कर रही है। इसमें पनडुब्बी को नष्ट करने की क्षमता पर खासा जोर दिया जा रहा है, तो वही हिंद महासागर के चीन की बढ़ोतरी चुनौती से निपटने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए यह संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास में एयरक्राफ्ट कैरियर विनाशक पनडुब्बी आदि भी बड़े बेड़े में शामिल है। भारतीय रक्षा सूत्रों का कहना है कि दोनों देश अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करेंगे। वरुण अभ्यास के तहत गोवा और करवर में 1 मई से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया था। भारत की तरफ से INS विक्रम आदित्य और MiG-29K फाइटर के साथ FNH-4D गुएल के साथ राफेल M नौसेना जेट और दूसरे युद्धक उपकरणों का प्रयोग अभ्यास के दौरान किया जा रहा है। एक उच्च अधिकारी स्तरीय नौसैनिक अभ्यास है। नौसेना ने बताया कि इसमें ग्रुप ऑपरेशन के साथ ही एंटी सबमरीन युद्ध रणनीतियों का अभ्यास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।